Welcome back to my channel. In this video, we'll be looking into the various things that have been happening in Himachal Pradesh after Eid. So, Himachal Pradesh se ye ek bahut achhi khabar aa rahi hai ki ab Hindu finally jaag raha hai. Wo ye sab nonsensical cheeze ab tolerate nahi karega. Javed jaise log jo beef eater hain, Eid ke time pe ye sab photos apne WhatsApp status mein post karenge. और फिर वो प्रोवोक करेंगे हिंदूज को और फिर सोचेंगे कि हिंदू कुछ नहीं करेगा क्योंकि हिंदू तो सर्वधर्म संभाव जैसे नॉनसेंसिकल बातों में उलझा रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. सो फाइनली हिंदूज आर नाउ वेकिंग अप. जिहादीज ये हमेशा से करते आए हैं, वो हिंदूज को प्रोवोक करते रहते हैं लेकिन अब तक कभी हम लोग जवाब नहीं देते थे. तो ये व्हाट्सएप स्टेटस जावेद नाम के एक जिहादी ने लगा दिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे वो गाय को काट रहे हैं और उसको वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा भी रहे हैं. सो आज नहीं तो कल रिएक्ट था इसका. तो हिंदूज ने क्या किया कि इवन दो जावेद सहारनपुर का रहने वाला है बट उसकी जो दुकान है वहां पे इन लोगों ने तोड़फोड़ की है. वहां पे उन सबके कपड़े वपड़े उन लोगों ने पूरे बाहर फेंक दिए हैं. गुस्से में आके वहां के लोकल हिंदूज बहुत गुस्से में आ गए थे कि ये क्या तमाशा चला रखा है आपने. हाँ मतलब कुछ भी करोगे क्या, कुछ भी करोगे आप, मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम ऑपरेशन का नाम लेके कुछ भी करोगे. तो वहां पे हिंदू संगठन गुस्से हो गए, लोकल हिंदूज भी इसमें शामिल है और बहुत अच्छी बात है कि हिंदूज अब रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हिंदू रिएक्ट कर रहे हैं, हिंदू जाग रहा है. उसकी दुकान को तोड़ दिया गया है. जावेद के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस भी लगाए गए हैं क्योंकि काउ स्लॉटर इज बैंड इन इंडिया. तो ये सब किया गया है, जैसे उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी की गई है. पुलिस वहां पे थी बट पुलिस वहां पे सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए खड़ी थी, तो उनके बस में कुछ है नहीं अभी. और ऑब्वियसली वहां पे कांग्रेस की सरकार है तो हमारे इस्लामिस्ट भाई लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि यार ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना. जराफ फारूकी है, ये एक बहुत ही जाना माना इस्लामिस्ट है, इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे. तो इसने बोला है कि वहां पे क्या चल रहा है, कांग्रेस की सरकार है और वहां पे इनको रोको क्योंकि इनका यूजुअल वही इस्लामिक विक्टिम हुड स्टार्ट हो गया है. ईद के टाइम पे आप हिंदूज को प्रोवोक करने के लिए ये सब करोगे और हिंदू जब रिटेलिएट करेगा तब उसको आप उसको हिंदुत्व मॉब फासिज्म डिक्टेटरशिप और ये सब वर्ड्स यूज करके उसको टाल दोगे. साइमा भी है, ये तो एक बहुत ही नोन इस्लामिस्ट है ना. मीठी मीठी बातें करेंगी बट उनको उनका जो असली जो मोटिव है वो सबके सामने रहता है हमेशा. फिर हमारे ये एक मीर फैजल नाम का भी एक और है, तो ये भी कह रहा है कि हिंदुत्व मॉब अटैक द मुस्लिम मैन शॉप इन फ्रंट ऑफ द पुलिस लूटिंग एंड वैंडलाइजिंग इट आफ्टर ही शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल सैक्रिफाइस ऑन हिज व्हाट्सएप स्टेटस. एनिमल सैक्रिफाइस बोल रहे हैं ये इसको. ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली जो गाय है वो हमारे लिए एक बहुत ही वो हमारे लिए सेक्रेट है. लेकिन अब इसके चलते क्या होगा, सोशल मीडिया पे हिंदुओं को शेम किया जाएगा, है ना. जो मतलब जो हमारे लिबरल्स और इस्लामिस्ट हमेशा करते आए हैं कि तुम हिंदूज ये सब कर रहे हो, तो हमेशा ये चीज याद रखें कि कन्हैया लाल जी के साथ इन लोगों ने क्या किया था, है ना. कन्हैया लाल जी उदयपुर नाम के शहर में राजस्थान में एक वो टेलर थे और उनके साथ इन लोगों ने क्या किया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनका गला काट दिया गया था बाय दीज इस्लामिक आतंकवादीज जस्ट फॉर शेयरिंग अ सोशल मीडिया पोस्ट. और ये भी ना भूले कि इन लोगों ने नूपुर शर्मा जी के साथ क्या किया था. ठीक है, नूपुर शर्मा जी ने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ हदीस से कुछ वर्सेस कोट किए थे जहां पे इनके सो कॉल्ड प्रॉफिट के बारे में कुछ सच्चाइयां हम लोगों ने वहां पे बोली थी. उसके चलते एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में एक हिंदू वुमेन को आज सिक्योरिटी के साथ घूमना पड़ रहा है क्योंकि सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले उनके पीछे पड़े हों. इसके लिए मोहम्मद जुबैर भी मतलब रिस्पॉन्सिबल है और कहीं ना कहीं पे मोदी सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. तो ये सब चीजें अच्छे से सबको याद रहे कि कभी भी अपोलोजेटिक ना बने आप. ठीक है, वो चाहेंगे कि आप एपोलोजेटिक बने, आपको शर्म और शर्मिंदगी का एहसास कराया जाएगा, बट हिंदू उसको शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है. जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है. अगर आप हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, डोंट एक्सपेक्ट अस टू इवन रेस्पेक्ट यू. हम मेजोरिटी में और जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तब तक अपने मेजोरिटेरियन राइट्स को एक्सरसाइज करना ही समझदारी है. हिंदुओं में ये जो है ना कि नहीं नहीं सबके साथ मिल बांट के रहना है, नहीं रहना है मिल बांट के. उनके पास 57 इस्लामिक कंट्रीज है, हिंदूज के पास एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे हो, ये सच्चाइयां हैं. ठीक है, सो आज के लिए यही, अवेयरनेस फैलाते रहें और हिंदू बनके हमेशा अच्छे से जिएं.